good morning student welcome to history class so we are doing chapter four that is thinkers beliefs and buildings and cultural development that is around 600 bce to 600 c right so in our previous class we have uh, discussed about the stupas and um, stupas kyu bante or stupas ko how they used to consider especially the stupas were you know, being uh,

एक स्टोरी भी पढ़ा था जहाँ पे हमने बोला था कि बुद्धा के अंतिम अंतिम घड़ी में उन्होंने अपने डियरेस्ट डिसाइपल आनंद को बोला था कि उनके बाद छोटा सा लाइक फोर क्रॉस रोड्स में क्या बनाओ छोटा सा थुपा बनाओ जो एक थुपा का मतलब ए पाली लैंग्वेज में है जिसका मतलब हो स्तूपा वो बनाओ जहाँ पे लोग आके उन लोग उनका दुख सुख सब शेयरिंग कर सकते हैं एंड दे कैन मेक दियर सेल्फ हैप्पी काम ओके रिलैक्स सो उसका मोटिव ये था नहीं पर स्तूपा बनाने के लिए लाइक फाइनेंस वगैरह डोनेशन वगैरह कौन देता था लाइक like, पैसा तो चाहिए ना जैसे संघ के लोग तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे है कि नहीं तो वो वो लोग एक्यूमलेशन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं करते थे तो स्तूपा कैसे बना तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पॉइंट हाउ वर स्तूपाज बिल्ड सो जो भी इंस्क्रिप्शन वग़ैरह ठीक है मिला है कहाँ पे स्पेशली स्तूपास में स्तूपास में स्तूपास के सामने जो भी लाइक रेलिंग्स वगैरह पिलर्स वगैरह मिला है जो भी वॉल्स वगैरह मिला है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे डिस्क्राइब है कि लाइक किस किस ने क्या किया डोनेशन वगैरह किया आ, क्या क्या बनाने के लिए ये स्तूपास वगैरह बनाने के लिए ठीक है तो स्पेशली उस डोनेशन में क्या लिखा होता था स्पेशली उस सांची के स्तूपा में स्पेशली सतावाहाना किंग्स के नाम है ठीक है दैट मीन्स उन लोगों ने क्या किया होगा लाइक um, like, डोनेट किया होगा पैसा ठीक है तो इसीलिए उन लोगों का नाम उस पिलर्स एंड रेलिंग्स में इन्ग्रेप्ड किया गया है एट द सेम टाइम सिर्फ राजा ही क्या नहीं करते डोनेशन नहीं करते एनी वन कैन डोनेट ओके हु वॉन्ट्स टू सो ऐसे ही करके डिफरेंट काइंड ऑफ गिल्स देट मीन्स आपको गिल्स तो पता होगा ट्रेडर्स मर्चेंट्स ओके लाइक एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो उन लोगों भी बहुत ज़्यादा ये इस्तूपा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्तूपाज वो लोग डोनेट करते थे और एक इम्पॉर्टेंट बात जो गेट्स वगैरह स्पेशली गेट्स वगैरह सांची इस्तूपा के सामने जो गेट्स वगैरह बनाया है वो उसको बनाने के लिए जिसने फाइनेंस किया था वो थे आइवरी वर्कर्स आइवरी वर्कर तो आपको मजा पता है ना जो हाथी के दांत के साथ वो लोग काम करते हैं ठीक है तो उन्होंने क्या किया था सांची के जो गेट वगैरह है उनमें क्या किया था उन्होंने फाइनेंस किया था ठीक है एट द सेम टाइम एनी वन कैन डोनेट कैसे लाइक जैसे वुमेन कर सकते हैं मेन कर सकते हैं हु लाइक्स टू ओके गिव सब डोनेशंस दे कैन सो छोटे से छोटे लोग ने भी क्या किया था स्तूपास कंस्ट्रक्शन uh, में डोनेशन दिया था इवन द भिक्कूज एंड भिकुनीज आपको पता है ना जो वो लोग लाइक uh, like, uh, क्या करके आर्म्स वगैरह दैट मीन्स छोटे छोटे लाइक भिक्षा वगैरह में जो मिलता है उन्होंने अपना वो भी क्या कर दिया था स्तूपा के डोनेशन में लगा दिया है सॉरी स्तूपा के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया था है सो ऐसे ही डोनेशन वगैरह उठा के क्या करते थे लाइक like, uh, स्तूपास वगैरह बनते थे तो हमें ये कैसे पता चला क्योंकि जिस जिन्होंने भी उन लोगों का क्या किया है जिन्होंने भी डोनेशन वगैरह किया है उ, उ, उनका नाम उनका एड्रेस उनका प्रोफेशन सब कुछ क्या है इंस्क्रिप्शन में इनग्रेव है फॉर एग्जांपल ओके सो सॉरी फॉर एग्जांपल दिस दिस इज़ अ वॉटिव इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सांची ओके सो ऐसे ही वाला इंस्क्रिप्शन दूसरे जगह में भी मिला है आपको पता है ना वॉट इज़ वॉटिव इंस्क्रिप्शन सो वॉटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब हमने चैप्टर टू में ही पढ़ा था ठीक है व्हाट इव वॉट इंस्क्रिप्शन मतलब है स्पेशली इंस्क्रिप्शन ओके स्पेशली इंस्क्रिप्शन दैट हैज़ बीन वेर द नेम ऑफ द लाइक रिलीजियस जगह में जो डोनेशन वगैरह देते दे, दे, देते हैं और उनके बारे में जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं व्हाट इंस्क्रिप्शन रिमेंबर पता है कि नहीं सो so, वॉटिंग इंस्क्रिप्शन होता है स्पेशली जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह मंदिर वगैरह ऐसे चीज़ में क्या कहते हैं जो डोनेशन वगैरह दिया हुआ चीज़ को रिकॉर्ड करके रखते हैं ठीक है थीके? उस टाइम पे इंस्क्रिप्शन वगैरह तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं वोटिंग इंस्क्रिप्शन ठीक है यहाँ से पता चला कि किस, -किस ने ये स्तूपा के कंस्ट्रक्शन में डोनेशन किया था ठीक है बच्चों ओके नाउ Uh, ये तो हो गया इस्तूपा में किस किस का कंट्रीब्यूशन होता था उस टाइम पे ठीक है तो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्तूपा सो स्तूपा का स्ट्रक्चर्स दैट मींस उसका डिजाइन वगैरह कैसा होता था ठीक है so, सो स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है ठीक है स्तूपा एक संस्कृत वर्ड डोंट फॉरगेट दिस जिसका मतलब है हिप सो so, आप हिप का मतलब है लाइक like, एक के ऊपर एक मल्टीट्यूड दैट मीन्स क्राउडेड पीपल का एक लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा माउंट जैसा बनाना एक के ऊपर एक ठीक है तो इसको बोलते हैं हिप ठीक है तो संस्कृत यू पर एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है हिप ठीक है so, सो पहले पहले जब बनते था ये क्या होता था सेमी सर्कुलर दैट मीन्स सेमी सर्कुलर होता था दैट मीन्स दिस इज़ अर्थ ठीक है मैं इसको बीच से ऐसे काट दूँगी सॉरी तो ये जो हाफ पोर्शन uh, है ठीक है? Uh, है. तो है? तो है इसको क्या बोलते हैं सेमी इट वन इज अ सेमी सर्कुलर है बीच से काट देती हूँ तो उसको क्या होता है सेमी सर्कुलर तो ये सेमी सर्कुलर जो शेप है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इन इसको बोलते हैं ए एन डी ए अंडा ठीक है आई होप यू गॉट माई पॉइंट ठीक है सो इसे अंडा बोलते हैं शेप ऐसा हो गया ठीक है तो पहले पहले तो इसका शेप ऐसा होता था बाद बाद में जाके क्या हुआ इसमें थोड़ा इसका डिजाइन क्या हुआ चेंजेस आ गया कैसे चेंजेस आ गया पहले ये सेमी सर्कुलर ऐसा होता था राइट अभी क्या हो गया ये क्या हो गया ये थोड़ा सा सेमी सर्कुलर तो है पर इसके ऊपर में थोड़ा क्या है फ्लैट आ गया सॉरी ओके okay. पहले सेमी सर्कुलर होता था पहले अभी क्या है सेमी सर्कुलर से सोरा ऊपर में क्या हो गया फ्लैट दैट मीन स्क्वायर शेप आ गया ठीक है तो ऐसे ही लाइक स्तूपास का डिज़ाइन वगैरह टाइम के अनुसार क्या होने लगे चेंजेस होने लगे नॉट लाइक कंप्लीटली बट स्लाइटली ठीक है सो उस अंडा जिस ऐसे इसको हम अंडा बोलते हैं ठीक है so, सो उसके ऊपर छोटा सा क्या होता है ऐसा एक छोटा सा बैलकनी वगैरह जैसा होता था ठीक है उस बैलकोनी को क्या बोलते थे हर्मिका क्या बोलते हैं हर्मिका इसको बोलते हैं अंडा ओके उसको बोलते हैं हर्मिका ठीक है हर्मिका, हर्मिका का, का काम क्या होता है कि हर्मिका को स्पेशली किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता था अबोर्ड ऑफ अब द गॉड अबोट ऑफ अब द गॉड मीन्स जहाँ पे भगवान रहते हैं भगवान बैठने का जगह ठीक है हर्मिका तो हर्मिका के ऊपर एक छोटा सा ऐसा वाला पिलर जैसा होता था ठीक है जैसे हम फ्लैग वगैरह लगाने में क्या कहते हैं छोटा सा एक लकड़ी वगैरह ऐसे वाला एक पिलर होता है हार्मिका के ऊपर ठीक है so, सो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं यस्टी टी क्या बोलते हैं यस टी के ऊपर ठीक है और यस्टी टी के ऊपर क्या होता है यस टी के ष्टी के ऊपर एक अम्ब्रेला शेप का क्या होता है डिजाइन दैट मीन्स अम्ब्रेला ही होता है छतरी जिसको बोलते हैं छतरी दैट मीन्स इसको अंडा बोलते हैं जो अंडा के ऊपर होता है जो रेसिडेंट ऑफ द गॉड और द अबोर्ड ऑफ द गॉड उसको बोलते हैं हर्मिका और हर्मिका के ऊपर छोटा एक पिलर जैसा शेप का एक होता है उसको क्या बोलते हैं यस्टी बोलते हैं और यष्टी के ऊपर एक छतरी जैसा शेप का होता है उसको क्या बोलते सॉरी uh, uh, उसको एक अम्ब्रेला जैसा शेप का डिज़ाइन होता है उसको क्या बोलते हैं छतरी ओके सो सो उसके बाद सॉरी और उसके बाद क्या होता है जो ये माउंट है जो ये अंडा है उसके ऊपर क्या होता है राउंड राउंड क्या है रेलिंग वगैरह कहते हैं तो व्हाट इज़ अराउंड द माउंट देयर इज़ अ रेलिंग सो रेलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग ओके okay, हमारे जो सेक्युलर वर्ल्ड और ये सेक्रेट प्लेस है तो हमको क्या है ये दिस इज अ सेक्रेट प्लेस है कि नहीं तो ये सेक्रेट प्लेस को क्या करने के लिए छोड़, छोटे लाइक like, हमें क्या करने के लिए उससे थोड़ा सेपरेट रखने के लिए सो दैट वी विल नॉट मेक इट लाइक डॉटी और समथिंग लाइक दैट ओके इसीलिए रेलिंग होता था उसके आगे पीछे ठीक है सो जो पहले पहले जो सांची ठीक है और बहारू सांची तो आपको मत है मध्य प्रदेश में है और बहारू थी जिन यूपी जो स्तूपास हो वो थोड़ा सिंपल होता था ठीक है प्लेन डिज़ाइन का होता है सिर्फ उनका रेलिंग रे रेलिंग वगैरह में थोड़ा क्या हो होता है थोड़ा कारीगरी दिखाया जाता था जैसे केसा वाला कारीगरी जैसे हम बैम्बू का लाइक रेलिंग वगैरह में ऐसे डिज़ाइन डालते हैं ना जैसे ऐसे सांची और बारूद में जो स्तूपा था उनमें भी थोड़ा डिज़ाइन था ओके okay? थोड़ा डिज़ाइन था पर जो स्तूपा था वो बहुत सिंपल वाला था और एट द सेम टाइम जो स्तूपा के आगे पीछे गेट्स वगैरह होते थे उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह होते थे ठीक है और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज अ स्तूपा ठीक है और उसके आगे पीछे क्या होता था ये यू uh, नो you know, रेलिंग होते थे रेलिंग में थोड़ा डिज़ाइन ठीक है उसके चार जगह पे क्या होता था गेट होता था गेट में बहुत अच्छा वाला कारीगरी का काम किया जाता था गेट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह उसमें लाइक इन इंस्क्रिप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा क्या हो गया था इन्ग्रेप किया जाता था ठीक है सो जब भी लोग स्तूपा के अंदर घुसते थे तो कहाँ से जाते थे ईस्टर्न साइड से यहाँ से जाते थे आपको पता होगा कि हम स्तूपा के आगे जाके क्या करते थे राउंड राउंड क्लाकवाइज डायरेक्शन में क्या करते फेरे लगाते है कि नहीं अभी भी करते हैं हम लोग तो लोग यहाँ से आके से राउंड राउंड क्या करें दर्शन करें ठीक है तो ऐसा वाला था तो ऐसे वाले लोग क्या करते थे क्लॉक वाइज डरेक्शन में uh, स्तूपा के आगे पीछे अराउंड दे यूज टू वॉक ओके सो बाद में क्या हुआ कि बात बात में स्तूपा का भी जो डिज़ाइन वगैरह है माउंड का डिज़ाइन वगैरह भी थोड़ा क्या होगा चेंज होने लगा दैट मीन्स उसमें भी क्या हुआ पहले प्लेन होता था जो हमने सांची और भारत में मिला पर हमें जो अमरावती और जो हमें शाहजहाँ ये शाहजी की देहरी ठीक है दैट इज़ इन पाकिस्तान पेशवा पाकिस्तान में है वहाँ पे जो स्तूपा मिला है वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला मिला है यूनो you know, अमरावती कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में है ठीक है जहाँ पे अमरावती में आ, मिला है वहाँ का जो हमें लाइक स्तूपा मिला है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है लाइक जो भी रिमेन्स वगैरह मिला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारीगरी किया गया है स्तूपा के ऊपर ठीक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्लपच्चर मूर्ति वगैरह भी वहाँ पर इन्ग्रेव्ड है सो so, जैसे टाइम बीतता गया स्तूपास का क्या होगा डिज़ाइन वगैरह भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स इलाबोरेट होने लगे वहाँ पे कार्विंग का काम होने लगा ठीक है स्कल्पचर्स वगैरह क्या होने लगे अटैच होने लगे तो ऐसे स्तूपास क्या हो गया पास का कंस्ट्रक्शन होने लगा पास का मोटिक बनने का तरीका और इस्तूपा का स्ट्रक्चर्स ओके ओके सो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ आया होगा राइट right? कि स्तूपाज कैसे होते थे ओके सो फॉर टुडे आप लोगों को समझ आया होगा स्तूपाज ठीक है सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर सब टॉपिक ऑन स्तूपाज सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे